बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 शुरू करने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी 1.6 ही है, क्योंकि जो नाइन्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं मैथ के, उसमें तकरीबन हर साल इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आज हम 1.6 शुरू करते हैं। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, जो कि 8 क्वेश्चंस हैं, हमने इन सब को सॉल्व करना है मैट्रिसेस को यूज़ करके। और उसमें दो मेथड्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर्स रूल। तो हमने हर क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। तो पहले हम नंबर 1 फर्स्ट पार्ट को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2x-2y = 4, 3x+2y = 6। चाहे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना हो या क्रैमर्स रूल यूज़ करना हो, पहले हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो है 2 और वाई का कोएफिशिएंट -2। सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है 3 और वाई का कोएफिशिएंट है 2। इसके बाद हमने वेरिएबल्स, जो अननोन क्वांटिटीज़ हमने फाइंड करनी है, उनका मैट्रिक्स लिखना है। तो उसमें पहले एक्स, फिर आएगा वाई। इक्वल की दूसरी साइड पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स लिखेंगे, 4, 6। तो ये इस सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। इसमें जिस जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स को हम एक्स से डिनोट कर लेंगे और कॉन्स्टेंट को हम बी से डिनोट करेंगे। अब जो इसमें फर्स्ट मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने यूज़ करना है। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है उसका फार्मूला है x = A−1 × B। और इन्वर्स का फार्मूला जो है, इधर हम इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे, इन्वर्स है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय B। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि जो A डिटर्मिनेंट है, A डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया तो फिर हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे, और इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे तो फिर इस सिस्टम का, जिस सिस्टम में डिटर्मिनेंट 0 आएगा, फिर उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये फाइंड करने से पहले मैं आपको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का फार्मूला बताता हूँ। लेट सपोज कि जो ए है, ए इज़ A, B, C, D। डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला है 2×2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का फार्मूला है, ये जो डायगनल एंट्रीज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A × D माइनस फार्मूले का, और ये जो ऑफ दी डायगनल्स हैं इनको, इनका प्रोडक्ट B × C। तो ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, A × D − B × C। और एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ऑफ A, 2×2 का जो एडजॉइंट है उसके लिए आपने ये जो मेन डायगनल है इसकी एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर देना है। A की जगह D आ जाएगा और D की जगह A आ जाएगा, ये आ जाएगा D और ये A, और ये जो ऑफ दी डायगनल एंट्रीज हैं आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस का साइन लगा देना। ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, और ये एडजॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और इस सिस्टम में जो ए है, ए है 2−2, 3, 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A × D। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2
माइनस, अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर, माइनस ये माइनस टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस सिक्स, फोर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सिक्स, फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन विच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि इस सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स कि ए का इन्वर्स पॉसिबल है तो सिस्टम का सोल्यूशन भी पॉसिबल है। अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना है और टू बाय टू मैट्रिक्स में एडजॉइंट का ये फार्मूला यूज़ करना है। ये प्रिंसिपल डायगनल की एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज कर देनी है, इनको इंटरचेंज कर देना है, ये दोनों सेम ही है तो ये इधर टू और ये टू ही आएगा और इन दोनों के ऑफ द डायगनल जो एंट्रीज़ हैं इनके आपने साइन चेंज कर देना है। ये माइनस टू प्लस टू हो जाएगा और प्लस थ्री आ जाएगा माइनस थ्री, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद अब हम इस फार्मूले में ये जो एक्स का फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसमें टेन है मल्टीप्लाई बाय बी, बी है जी फोर सिक्स। तो पहले हम ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय फोर एट, टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस ट्वेल्व, टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस ट्वेल्व ओवर टेन, एट प्लस ट्वेल्व ये आ गया ट्वेंटी, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ज़ीरो ओवर टेन। अब इन दोनों एंट्रीज़ को हम अलग अलग टेन पे डिवाइड करेंगे, ट्वेंटी ओवर टेन ज़ीरो ओवर टेन। इधर हम x की वैल्यू, x की वैल्यू है जी एक्स वाई, तो 20 ओवर 10 ये आ गया 2 और 0 ओवर 10 0, तो x आ गया 2 और y 0 क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री भी सेम हो, तो ये क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को कंपेयर किया, तो x की जगह पे 2 है तो x आ गया 2 के इक्वल और y की जगह पे 0 है तो y आ गया 0 के इक्वल। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट में हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। क्रैमर रूल्स का जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू ए वन डिटर्मिनेंट या ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स जब आपने लिखना है तो ए का जो फर्स्ट कॉलम है ए के फर्स्ट कॉलम की जगह आपने ये बी वाली जो वैल्यूज़ हैं फोर सिक्स इसको रिप्लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा फोर सिक्स और सेकंड कॉलम सेम वही आएगा माइनस टू टू। अब इसको भी हम जैसे ऊपर हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है ये आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय टू माइनस फार्मूले का आ जाएगा, इधर से आएगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट, माइनस माइनस टू सिक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस ट्वेल्व, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया प्लस ट्वेल्व और एट प्लस ट्वेल्व आ गया ट्वेंटी। अब ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट में जो ए वाई है अब आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है बी की वैल्यूज के साथ, तो फर्स्ट कॉलम सेम सेकंड कॉलम आ जाएगा फोर सिक्स, टू को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स के साथ, टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स ट्वेल्व माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री ये भी ट्वेल्व आ गया, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ज़ीरो। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 आई और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0 और ए डिटर्मिनेंट है 10। तो इस फार्मूले में इन दोनों फार्मूलाज में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो पहले एक्स ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह आ जाएगा 20 और ए डिटर्मिनेंट है 10, तो 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड से भी एक्स 2 ही आया और क्रैमर रूल से भी एक्स 2 आया, तो आंसर सेम ही आएगा मैथड आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें।
इधर ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 और ए डिटर्मिनेंट 10, तो 0 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी वाई 0 के इक्वल आया और क्रैमर रूल से भी वाई किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट से ऑनवर्ड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।